क्यों है हिंदू शास्त्र में रुद्राक्ष का महत्व? क्या है इसका रहस्य? आइए जानते हैं क्या है रुद्राक्ष। प्रवीण मंत्र विज्ञान में आपका स्वागत है। पृथ्वी पर संकट बने त्रिपुरासुर के वध के लिए देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। वहां भगवान शिव संहार के देवता भगवान रुद्र के आंख से निकला आंसू जब पृथ्वी पर गिरा तब रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। महादेव की आंख से निकला आंसू मानव समाज के कल्याण के लिए पृथ्वी पर आज भी मौजूद है। रुद्राक्ष भगवान शिव को अति प्रिय है। त्रिपुरासुर के वध के लिए शंकर ने रुद्र अवतार धारण किया और उनकी आंख से निकलता जल से उत्पन्न मानव कल्याण के लिए एक वरदान बना जिसे हम रुद्राक्ष कहते हैं। आइए जानते हैं क्या है रुद्राक्ष के फायदे। शास्त्रों की मान्यता है रुद्राक्ष धारण करने वाले पर भगवान शिव की कृपा बरसती है और जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार विशेष उपाय और विशेष विधि द्वारा रुद्राक्ष धारण करने से विशेष लाभ मिलते हैं। शनि की साढ़े साती हो या अन्य कोई ग्रह की दृष्टि, रुद्राक्ष ग्रहों को अनुकूल बनाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अकाल मृत्यु या शत्रु बाधा से रक्षा करता है रुद्राक्ष। जीवन में कल्याणकारी है रुद्राक्ष। भगवान शिव का साक्षात स्वरूप व आशीर्वाद है रुद्राक्ष। धन संपत्ति वैभव और मान सम्मान दिलाता है रुद्राक्ष। कष्टों और दुखों से रक्षा करता है रुद्राक्ष। जीवन में सफलता के लिए हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए रुद्राक्ष। हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की माला जितनी छोटे मनकों की होती है उतनी ही लाभदायक होती है। इसे 1, 27, 54 या 108 की गिनती के दानों की लाल या पीले धागे में पहनना चाहिए। विशेष रुद्राक्ष प्रयोग कर धारण करने से स्वास्थ्य में लाभदायक होता है। वहीं रुद्राक्ष को पहनने के नियम भी शास्त्रों में वर्णित है। अगर नियमों का उल्लंघन किया जाए तो संहार के देवता महादेव से उत्पन्न रुद्राक्ष संहार भी करता है। इसके पहनने के नियम और विधि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। देखना ना भूले प्रवीण मंत्र विज्ञान रुद्राक्ष एपिसोड। आपका जीवन बदल देगा रुद्राक्ष। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और घंटी पर क्लिक कीजिए। अधिक से अधिक लाइक कर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। जय महाकाल।